हेलो गाइस, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल है जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और आगे जाकर इसी फील्ड में अपना करियर सेट करना चाहते हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में करियर। हम आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग क्या है, एग्रीकल्चर इंजीनियर कैसे बना जाता है, उसके लिए कौन सा कोर्स करना होता है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी कोर्स को करने के लिए। साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, वो कहाँ पर काम करते हैं, क्या काम करते हैं, और उन्हें जो जॉब मिलती है वो कहाँ मिलती है, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं एग्रीकल्चर इंजीनियर बनने के बाद। तो फ्रेंड्स, अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कैलाश है। और वीडियो बनने से पहले फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो आपको घंटी का निशान दिखेगा आप उसे भी जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वास्तव में क्या है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच होती है जिसमें हमें ये सिखाया जाता है कि जो फार्मिंग में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो उपकरण हैं और जो मशीनरी हैं, उनमें किस तरह से टेक्नोलॉजी को अप्लाई करके उन्हें यूजफुल बनाया जा सकता है। मीन्स आप यूँ समझिए, जो फार्मिंग में यूज होने वाली मशीनरी और इक्विपमेंट्स होते हैं, उनका जो कंस्ट्रक्शन है, उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन और जो उनकी डिजाइनिंग होती है, उसके बारे में स्टडी इसी ब्रांच में की जाती है। साथ में फूड प्रोसेसिंग और कोल्ड स्टोरेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ने को मिलती है। अब हम ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियर आप किस तरह से बन सकते हैं, आपको कौन सा कोर्स करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको करना होगा B.Tech इन एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग। ये कोर्स आपको करना होगा। ये कोर्स 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, मीन्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, अगर हम इस बारे में बात करें तो आपको 12th पास आउट होना चाहिए कम से कम 45% मार्क्स के साथ। कौन से सब्जेक्ट के साथ, अब हम ये बताते हैं। अगर आप PCAg ग्रुप के हैं या फिर PCB या फिर PCM, तीनों ग्रुप के अगर आप स्टूडेंट 12th में रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर के रहे हों, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट आप रहे हों, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट आप रहे हों, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं इस कोर्स को करने के लिए। जो कोर्स में एडमिशन है वो एंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के बेस पर होता है, और जो इस कोर्स की फीस होती है वो नॉर्मली 50,000 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से होती है ट्यूशन फीस इस कोर्स की। और अब हम ये बताते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जो B.Tech अगर आपको करना है तो उसके लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, और एग्जाम में कौन कौन से सिलेबस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, इन एंट्रेंस एग्जाम्स में जो B.Tech में आपको एडमिशन दिलाएंगे उसमें 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। और जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है नॉर्मली, और 200 क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली। वैसे ये वेरी कर सकता है ईयर टू ईयर। और जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अब हम उनके बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम है, आप इसमें अपेयर हो सकते हैं, या फिर कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट हरियाणा CTT। इसके अलावा आप AIEEE इस एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU, ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करते हैं अलग से, या फिर DU कम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट होता है, पंजाब यूनिवर्सिटी कम्बाइंड एंट्रेंस टेस्ट है, UP स्टेट इंजीनियरिंग एडमिशन टेस्ट है, आप इनमें से किसी भी टेस्ट को दे सकते हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पर कुछ मेंस एग्ज़ाम के बारे में हमने आपको बताया है। और अब हम ये बात करते हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियर्स क्या काम करते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल किस तरह का होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अधिकांश एग्रीकल्चर इंजीनियर्स फार्मिंग में यूज होने वाली मशीनरियों और दूसरे उपकरणों को बेहतर बनाने से संबंधित कार्य करते हैं। मीन्स
उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी क्वालिटी को सुधारने से रिलेटेड जो भी काम है वो उन्हें करते हैं। इसके अलावा वे फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स को भी डिज़ाइन करने का काम करते हैं और कोल्ड स्टोरेज को किस तरह से डिज़ाइन करना है इसमें भी उनकी काफ़ी भूमिका होती है। और जो कुछ इंजीनियर्स होते हैं वो फार्मिंग के जो वेस्ट मटेरियल हैं उनसे किस तरह से एनर्जी बनाई जाती है इस फील्ड में रिसर्च करते हैं। उस वेस्ट मटेरियल से एनर्जी किस तरह से ली जा सकती है इस बारे में वो काम करते हैं। और अगर हम ये बात करेंगे वो आउटडोर या इंडोर किस तरह का जॉब प्रोफाइल होता है, तो देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियर को इंडोर और आउटडोर दोनों ही स्थानों पर काम करना होता है। और अब हम देख लेते हैं कि जॉब्स कहाँ कहाँ लग सकती है। सबसे पहले हम गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर तहसील लेवल पर एग्रीकल्चरल ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर आप अपने स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप नाबार्ड या फिर FCI, ये दोनों गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनमें भी जॉब पा सकते हैं। या फिर आप बैंकिंग में स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है एक एग्रीकल्चर ऑफिसर, वहाँ भी आप जॉब पा सकते हैं। या फिर आप रिसर्च में जा सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं। टीचिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है तो टीचिंग में भी जा सकते हैं। या फिर आप UPSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि UPSC जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए कोई अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन आप सिविल सर्विस के लिए जा सकते हैं जैसे कि IAS या फिर PCS। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो काफ़ी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर में जो एग्रीकल्चर इंजीनियर को हायर करती हैं, जिनमें नंबर वन पर अगर हम नाम लेना चाहें तो वो है एस्कॉर्ट्स जो फार्मिंग इक्विपमेंट्स बनाती है। सेकंड नंबर पर नेस्ल इंडिया है जो फूड आइटम्स बनाती है। नंबर थ्री पर अमूल डेयरी है जो मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर फोर ITC, ये फेमस कंपनी है, फूड प्रोडक्ट्स बनाती है। नंबर फाइव फार्मिंग इंडस्ट्री कंसल्टेंट्स, यहाँ भी आप हायर किए जा सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चरल कंसल्टेंट्स, सॉरी, या फिर आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज प्रोसेसर्स बन सकते हैं। तो इस तरह से इनके अलावा और भी कुछ कंपनीज हो सकती हैं फर्टिलाइजर्स की या सीड्स की, जहां पर आपको हायर किया जा सकता है। अगर आप सेल्फ का अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं तो आप शॉप मैनेजर बन सकते हैं, किसी भी फार्मिंग इक्विपमेंट्स की आप बिजनेस कर सकते हैं। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी संभावनाएँ हैं इस फील्ड में इस कोर्स को करने के बाद आपके लिए। अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में आपका सैलरी पैकेज 2.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में हो सकता है पर एनम, ये सालाना पैकेज है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है तो वहाँ पर अगर आप ऑफिसर लेवल पर हायर किए जाते हैं तो आपका सैलरी पैकेज काफ़ी हो सकता है। और अगर आप सेकंड लेवल के गवर्नमेंट जॉब आप पाते हैं तो वहाँ पर आपकी जो सैलरी है वो भी कम से कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 40 से 50 हज़ार पर मंथ के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट लिखकर हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में आप घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ। और आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।